और राजधानी देहरादून में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। बता दें कि 27 दिसंबर से मसूरी में विंटर कार्निवल शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मसूरी जाने वाले लोगों से और उनके लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। इसको लेकर एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने कहा कि नया साल मनाने के लिए बाहरी प्रदेशों से भी कई पर्यटक मसूरी आते हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर और सहारनपुर की तरफ से आने वाले लोगों के लिए शिमला बाईपास रोड में डाइवर्जन किया जाएगा और शहर में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ से आने वाले लोग देहरादून के जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी पहुंचेंगे, जिसको लेकर 30 और 31 जनवरी को भारी वाहनों को शहर में प्रवेश वर्जित किया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इसमें बिल्कुल जैसा कि बाहरी प्रदेशों से भी काफ़ी लोग आते हैं मसूरी के लिए, उसके लिए हमने अपना ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी कर दिया है। उसमें जो जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर और सहारनपुर इस तरफ से जो लोग आएंगे, उनके लिए डाइवर्जन शिमला बाईपास पे किया जाएगा, ताकि वो बाहर कैंट होते हुए मसूरी जो पहुँच सके। सिटी में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसे ही जो हरिद्वार ऋषिकेश इस तरफ से जो लोग आएंगे, वो जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी जा सकेंगे। दोनों ही दिन 30 और 31 जो हमारा 31 के लिए जो प्लान है, उसमें बाहरी जो भारी वाहन है उन्हें भी सिटी के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। वो भी बाहर, जैसे इधर हरिद्वार से आने वाले वाहन वो लाल तप्पड़ पर रोके जाएंगे और इधर आसा रोड़ी पर रोके जाएंगे, तो उनका भी प्रवेश जो है वो वर्जित रहेगा।